संभल में बिजली के बिल का बकाया वसूलने आई प्रशासन की टीम के उड़े होश। बिना बिजली का बिल भरे ई रिक्शा चार्जिंग का चल रहा था अवैध स्टेशन। 28 रिक्शे किए गए जब्त। जानकारी के अनुसार संभल के सरायतरीन के मोहल्ला अमानखेल में तारिक के घर पुलिस और प्रशासन की टीम ने छापा मारा। दरअसल प्रशासन यहां बिजली बिल के बकाया 7.5 लाख रुपए वसूलने पहुंचा था, लेकिन वहां अवैध ई रिक्शा का स्टेशन देखकर अधिकारी हैरान रह गए। 28 ई रिक्शा चार्जिंग होते देखे, जिन्हें आसपास के घरेलू बिजली कनेक्शन से जमीन के नीचे लाइन बिछाकर बड़े पैमाने पर बिजली चोरी की जाती थी। बाद में सभी 28 ई रिक्शा को जब्त कर लिया गया और आगे की कार्यवाही शुरू कर दी। संभल से अंजुम इशरत की रिपोर्ट। एक तारिक खां और तैया नाम के व्यक्ति है, जिनकी बलदियत है हसन जान खां, वो रहने वाले हैं अमानखेल मोहल्ला सरायतरीन के। उनके खिलाफ एक विद्युत की आरसी है करीब 3,45,000 रुपए की और बैंक की आरसी है करीब 3,80,000 रुपए की, फिर 7.5 लाख रुपए के आसपास उनके ऊपर बकाया था प्लस ब्याज के साथ। तो उसी की वसूली के सिलसिले में कुर्की के लिए हमारी टीम गई हुई थी, तो वहाँ जानकारी मिली कि उन्होंने करीब 30 से 40 ई रिक्शा का चार्जिंग पॉइंट बनाया हुआ है। तो जब स्थानीय भ्रमण करके देखा गया तो पाया गया कि वो चार्जिंग पॉइंट पूरी तरह से इलीगल है, वहाँ पे कोई कॉमर्शियल कनेक्शन नहीं है। आसपास के घरों से 2-3 कनेक्शन उन्होंने घरेलू कनेक्शन को की लाइनें खींचकर अवैध रूप से चार्जिंग पॉइंट बनाया हुआ था। तो विद्युत विभाग के लोगों को बुला के उसके खिलाफ कार्रवाई कराई गई है। वो बिल्डिंग कॉमर्शियल रूप से यूज हो रही है, लेकिन संभवतः उसका जो टैक्सेशन है वो रेजिडेंशियल में किया गया होगा, इसलिए नगर पालिका को बुलाया गया। नगर पालिका के लोग उसका असेसमेंट कर रहे हैं। अगर वो कॉमर्शियल बिल्डिंग निकलेगी तो उसका हाउस टैक्स उसी हिसाब से कॉमर्शियल बिल्डिंग के हिसाब से लिया जाएगा। तीसरा, जो आरसी थी उसके क्रम में वहाँ पे जो रिक्शे बरामद हुए हैं उनकी कुर्की की गई है। करीब 28 रिक्शे हैं, एक बाइक है। तो चूंकि कोई दावेदार वहाँ पे उपस्थित नहीं था तो ये प्रथम दृष्टया यही प्रतीत होता है कि सारे रिक्शे उसके ही हैं। अगर सारे रिक्शे उसी के पाए जाएंगे तो उनकी नीलामी की जाएगी। अदरवाइज अगर कोई दावेदार आता है कि कोई दूसरे आदमी ने किराए के लिए वहाँ पर रिक्शा लगा रखा था और अपने डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया था, उसके रिक्शा हम लोग रिलीज करेंगे। संबंधित विभाग अपनी कार्रवाई करेंगे, नगर पालिका असेसमेंट करेगी टैक्स का और विद्युत विभाग एफआईआर दर्ज कराएगा। उनसे कुछ लोगों के बयान दर्ज किए हैं विद्युत विभाग के लोगों ने, तो यही बताया गया कि 50 से 60 रुपए प्रति रिक्शा प्रतिदिन के हिसाब से वहाँ पे चार्ज किया जाता था। हाँ, कई सारे रिक्शाओं पे नंबर नहीं मिले हैं, तो एआरटीओ साहब को भी कहा गया कि उनका भी परीक्षण कर लें। सर, राज्य कर विभाग की टीम जीएसटी को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया? उनको बताया गया था कि यहाँ पे चूंकि व्यवसायिक गतिविधि चल रही है तो अपने विभाग की जो मानक है उसके हिसाब से उसको चेक कर लें, तो वो लोग भी पहुंचे थे मौके पर।